नमस्ते यूटी प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूनिटी 2020.1 एरर्स के बारे में, कि जब भी हम यूनिटी 2020.1 में कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमें कुछ एरर शो करता है और हम उन एरर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 20.1 यूनिटी का वर्जन सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी। तो मैं उसे नाम देती हूँ एंड मैं यहाँ पे 3D के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी और इसे एक पाथ दूंगी और एक फोल्डर का नाम दूंगी जहाँ पे मुझे इसे सेव करना है। तो मैं इसे 2020 में सेव करूंगी, सेलेक्ट फोल्डर और देन क्लिक क्रिएट। लेट्स सी क्या एरर आता है। फिर यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है। ओके, तो नाउ वी गॉट एरर। यहाँ पे हमें एरर मिल गया है। जो एरर है वो है हमारी जो लोड विंडो है, जो हमारा लेआउट है लोड विंडो का, वो हमारी अपलोड नहीं हो पा रही है, लोड नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से ये जो हमारा एरर है वो शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि दिस कैन हैपन इफ लेआउट कंटेन कस्टम विंडो एंड देयर आर कंपाइल एरर्स इन द प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पे लोड डिफॉल्ट लेआउट में, अगर आप डिफॉल्ट लेआउट को लोड करना चाहते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तभी कोई सोल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप रिवर्ट फैक्ट्री सेटिंग पे क्लिक करेंगे फिर आपको ये ऑप्शंस शो करेगा, यूनिटी इज अबाउट टू डिलीट ऑल विंडो लेआउट एंड रीस्टोर देम टू द डिफॉल्ट सेटिंग। जिसका मतलब ये है, जो यूनिटी है वो कह रहा है कि वो जितनी भी आपकी लेआउट विंडो है उन सभी को डिलीट कर देगा, फिर रीस्टोर करेगा उन्हें एज अ डिफॉल्ट सेटिंग। सो अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो भी ये बैक कर देता है हमें वापस से पहले विंडो में जहाँ पे लिखा है फेल टू लोड विंडो लेआउट, जो हमारी लेआउट विंडो है वो लोड नहीं हो रही है, वापस से वही एरर आ रहा है। अगर आप क्विट कर देंगे तो फिर ये क्विट हो जाएगा, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो आगे लोड नहीं होगा। ओके, तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को, इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बहुत चलिए सर्च किया इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे। सो मुझे जो सोल्यूशन मिला वो ये है। तो पहला, आप अपनी सी ड्राइव में जाइए जहाँ पे आपने यूनिटी को इंस्टॉल किया है। उसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। अगर आप विंडोज यूजर है तो आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। यहाँ पे आपको यूनिटी 2020 के वर्जन में जाना है जो आपने इंस्टॉल किया होगा। तो ये मेरा 2020.1.6 का वर्जन है यूनिटी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस फोल्डर को चूज करना है। उसके बाद एडिटर में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें इस सेकेंड ऑप्शन को चूज करना है, डेटा। इस पे क्लिक करके आपको लास्ट से थर्ड वाले ऑप्शन में जाना है, लास्ट से थर्ड रिसोर्स को चूज करना है और यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करना है आपको। आप यहाँ पे एक फाइल देख सकते हैं default.wlt। इस फाइल को आपको कॉपी करना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट फाइल की लोकेशन में जाना है जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट की, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया है। मैंने एफ ड्राइव में सेव किया है, तो मैं एफ ड्राइव में, एफ ड्राइव को सिलेक्ट करूंगी और मेरे प्रोजेक्ट का जो नाम है उस प्रोजेक्ट को चूज कीजिए। मैंने न्यू प्रोजेक्ट 12 दिया था आपके लोगों का, तो ये तो आप बैक करके देख सकते हैं। तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट फोल्डर को। उसमें आपको लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है और लाइब्रेरी में जो आपकी ये करंट लेआउट default.dwlt फाइल है इसे सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है।
और जो आपने फाइल कॉपी की थी डिफॉल्ट, उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है. सो कंट्रोल वी टू पेस्ट डिफॉल्ट डॉट डब्ल्यू एल टी फाइल. फिर इस फाइल पे अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए एंड हियर यू विल गेट दिस विंडो. और यहाँ पे आपको वर्ड को हटा देना है, लेकिन जो एक्सटेंशन है डब्ल्यू एल टी उसे रहने दे रहा है. यहाँ पे आपको लिखना है करेंट कैपिटल सी, करेंट कैपिटल एल, ले आउट एल ए वाई एल ए वी टी, ले आउट डैश डिफॉल्ट डॉट डब्ल्यू एल टी की जगह हमें डी स्मॉल डी डब्ल्यू एल टी एक्सटेंशन देना है अपनी फाइल का. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी फाइल थी पहले करेंट लेआउट डिफॉल्ट डॉट डब्ल्यू एल टी, उसे डिलीट करके आपको जो आपने फाइल कॉपी की थी डिफॉल्ट डॉट डब्ल्यू एल टी उसे यहाँ पे कॉपी करना है. और फिर उसे एक नया नाम देना है करंट लेआउट डिफॉल्ट डॉट डी डब्ल्यू एल टी एंड एंटर करके आपको इसे सेव करना है. यहाँ पे आपको एक परमिशन मांगेगा आपका सिस्टम. इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल. जिसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस फाइल का एक्सटेंशन डब्ल्यू एल टी से डी डब्ल्यू एल टी चेंज किया तो मे बी ये फाइल किसी काम की नहीं होगी. तो हमें क्या करना है, यस पे क्लिक करना है बिकॉज हम इसका एक्सटेंशन और इसका फाइल इस फाइल का नेम दोनों को ही चेंज करना है जो हमने चेंज कर दिया है. उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है और इसके बाद कंट्रोल एस करना है सेव करने के लिए. उसके बाद इस फाइल को आपको मिनिमाइज करना है. उसके बाद आपको यूनिटी हब को दोबारा से रीओपन करना है और उसके बाद आपको आपकी जो प्रोजेक्ट था उसे फिर से रीओपन करना है. तो लेट्स सी, देखते हैं काम करता है कि नहीं. तो यस गाइस, यहाँ पे हमारा जो एरर था वो सॉल्व हो गया है और हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. और जो दूसरा जो सोल्यूशन है इसका, कि आप जो पहला सोल्यूशन है आपके लिए वर्क नहीं करता है तो आप यूनिटी हब को रीओपन कीजिए और अपने प्रोजेक्ट को जो अपने 2020 में क्रिएट करना चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट को आप दोबारा से क्रिएट कीजिए अपने पुराने वर्जन में 2019.4 जो भी आप यूज़ कर रहे हो. तो अपने प्रोजेक्ट को आप अपने पुराने वर्जन में क्रिएट करके फिर उसे अपग्रेड कर दीजिए 2020 वर्जन में. तो ये सोल्यूशन ज़रूर काम करेगा. जैसे यहाँ पे मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इस प्रोजेक्ट को मैं कन्वर्ट करूँगी 2020 में और फिर मैं देखूँगी क्या जो मेरा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो रहा है कि नहीं. तो मैंने चूज़ किया 2020 को दिस प्रोजेक्ट को खोलने के लिए और फिर मैं इसे ओपन करूँगी और मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगी. तो देखते हैं मेरा प्रोजेक्ट खुलता है कि नहीं. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया है नए वर्जन में हमारे. यहाँ देख सकते हैं आप 2020.1.6 पे. फॉर दिस आप देख सकते हैं हमारे दोनों प्रोजेक्ट 2020 में सक्सेसफुली ओपन हो गए हैं. सो इस वीडियो में इतना ही. आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई हैं जो मैंने आपको बताया है. अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट पे बता सकते हैं. अगर आपको आ रही है तो भी नहीं आ रही है तो भी नहीं आ रही है तो फिर मैं उसे और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. अगर आ रही है तो फिर इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है. तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में.